ज्ञानेश कुमार, भारतीय माहिती संस्थे इंडियन इन्फॉर्मेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड बीदर, उसके 1000 वॉलेंटियर्स है, और मैं RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर बाबा साहब रामजी सतपाल अंबेडकर निर्मित पार्टी का, मैं फिलहाल बीदर 50 का कैंडिडेट महेश गोरनाळकर जी का मैं एक्सपेंडिचर एजेंट हूँ। महेश गोरनाळकर जी जो RPI पार्टी का जो एजेंडा है, जो उसका थॉट्स है, बाबा साहब के जो थॉट्स है, वो थॉट्स को छोड़कर अपने काम कर रहे हैं, सिर्फ फंड इकट्ठा कर रहे हैं। कह रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को कि भैया तुम लोग वोट मत मांगो, तुम लोग नोट मांगो, और अगर कोई भी 1000 रुपये आपको देगा तो 20% आपको दिया जाएगा, अगर कोई 100 रुपये देगा डोनेशन तो आपको 20 रुपये दिया जाएगा। ऐसा कहकर किसी को पाम्पलेट मत बांटो, किसी को वोट मत मांगो, सिर्फ पैसा मांगो और उस पैसे में से 20% आप ले लो और पार्टी गए भाड़ में बोलकर। इसीलिए ये देखिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब द्वारा निर्मित, इसको मैं अभी अभी छोड़ दे रहा हूँ और मैं कांग्रेस में मर्ज हो रहा हूँ, कांग्रेस मुझे स्वीकार करे। सर बीदर में बहुत से ये देखिए सर जी, ये देखिए सर जी, इसको जो है मैं देख रहा हूँ। सवाल है आपसे, बीदर में बहुत से पार्टियां हैं, हाँ जी, तो कांग्रेस को क्यों चुना आपने, ये पार्टी RPI? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हिंदू ही जी हाँ, दलित मुस्लिम जागेगा तो भगवा रंग भागेगा, दलित मुस्लिम जागेगा तो भगवा रंग भागेगा। ये जो कैंडिडेट है ये BJP या सूर्यकांत के साथ इंटरनल अलायंस कर चुके हैं, इसका एविडेंस और इसका प्रूफेंस मेरे पास है। कौन से कैंडिडेट? मेरे कैंडिडेट अब तक का महेश गोरनाळ अब तक जो था RPI का, और मैंने कांग्रेस इसीलिए ज्वाइन किया, कांग्रेस का एजेंडा और बाबा साहब का एजेंडा एक है, लेकिन बाबा साहब निर्मित पार्टी जो RPI है उसके एजेंडा से खिलाफ में जा रहे हैं कैंडिडेट, तो मुझे मजबूरन छोड़ना ही पड़ा और ज्वाइन इसीलिए करना पड़ा कि जो JDS है उसका कैंडिडेट जीतने के बाद फिर से वो BJP में ही जाएगा, ये मैं टाल ठोक के कहता हूँ। और ईश्वर सिंह ठाकुर जी जो भाजपा के बारे में मैं एक ही बात कहना पसंद करूँगा कि भैया वो तो तिनके भर आते हैं, उंगलियों में गिना जाता है उनके कास्ट, तो लिंगायत लॉबी बहुत बहुत परेशान में है कि भैया हमारे लोगों को टिकट नहीं मिला बोलकर, इसीलिए उनके वोट भी कांग्रेस को आ रहे हैं 75% प्लस लिंगायत के। इसीलिए कांग्रेस जीतने वाली पार्टी है बोलकर मैं नहीं आया, पार्टी सिद्धांत के वजह से आया, क्योंकि मैं एक दलित हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित है मल्लिकार्जुन खड़गे, और सेकुलर पार्टी है, और हमारे यहाँ पर जितने साथी ठहरे हुए हैं काउंसलर्स मैडमों वगैरह वो सब हमारे पूजनीय हैं, पूजनीय मित्र है, और इरशाद अली साहब और हम मेरे बहना और हमारे रिया साहब तो मेरे भाई से भी बढ़कर हैं। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय कर्नाटक।